सोनपुर एक बहुत ही खुशहाल गांव था। उस गांव के समीप जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी जिसका नाम अक्सा था। वो दिखने में बहुत ही भयानक थी। वो रोज रात को सोनपुर गांव में आती और वहां किसी भी जानवर या किसी इंसान को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती, वहां पकाकर उसे खाती। गांव वालों ने एक सभा बुलाई। आखिर कब तक हम छुप छुप कर जीवन बिताएंगे? इस तरह तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। आप सही बोल रहे हैं चाचा, पर हम कर ही क्या सकते हैं? वो चुड़ैल बहुत ताकतवर है, हम छूट जाते हैं तो हमारे जानवरों को उठा ले जाती है। कोई ना कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। आज से हम लोग संध्या होते ही अपने अपने घरों में छुप जाएंगे और साथ में अपने पशुओं को भी छुपा कर रखेंगे। पर बेटा, इससे क्या होगा? चुड़ैल अगर और भड़केगी तो और भी ज्यादा नुकसान पहुँचाएगी। तो हम में से किसी को उससे बात करनी चाहिए। कौन बात करेगा? उससे बात करने वाला बुद्धिमान होना चाहिए ताकि उसको अपनी बातों में फंसा ले, उलझा ले। पूरे गांव में एक सरपंच जी हैं जो बहादुर और समझदार हैं, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में चुड़ैल को फंसा सकते हैं। तो देर क्यों कर रहे हैं? हमें अभी चल के सरपंच जी से बात करनी चाहिए। आखिर वो भी इसी गाँव के हैं, उनको भी समस्या के बारे में पता होगा। ठीक है, चलिए सरपंच जी के घर चलते हैं और उनसे बातें करते हैं, शायद हमारी कुछ मदद कर दें। सभी गांव वाले सरपंच जी के दरवाजे पे पहुंचते हैं और उनसे अपनी सारी समस्याएं बताते हैं। सरपंच जी बोलते हैं, देखिए, हमें आप लोगों की समस्या के बारे में पता है, पर मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा। आपको किसी भी तरह उस चुड़ैल से बात करनी है और अपनी बातों में उसे उलझा कर रखना है। क्या हुआ, भयानक चुड़ैल मुझसे बात करेगी? जरूर करेगी। जब उसे कोई गांव में दिखाई नहीं देगा तो वो गुस्से में लाल पीली हो जाएगी, तब आप उससे बात कीजिएगा। देखिए, उससे लड़ना तो बेवकूफी होगा। आप लोगों के कहने पर मैं उससे बात करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। शाम होते ही सभी गांव वाले अपने अपने घरों में छुप गए और साथ में अपने पशुओं को भी छुपा लिया। अक्सर चुड़ैल जब गाँव में आती और वहाँ किसी को न देख कर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती और चिल्ला चिल्ला कर घूमती है। गांव वालों, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया तो मैं पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगी। तभी सरपंच जी अक्सा के सामने आते हैं और बोलते हैं, तुम मेरे गांव वालों को छोड़कर चली जाओ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं तुम लोगों को छोड़कर क्यों चली जाऊँ, जबकि मुझे बड़ी आसानी से यहाँ भोजन मिल जाता है। मैं तो तुम लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचाती, मैं अपना भोजन लेती हूँ और चली जाती हूँ। मतलब तुम हमें तंग करना नहीं छोड़ोगी? नहीं छोड़ूंगी। किसी भी शर्त पर नहीं छोड़ोगी हमें? तुम चाहो तो हम तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हैं। शर्त की बात सुनते ही चुड़ैल लालच में आ जाती है और सोचती है, क्यों ना मैं रोज अपने खाने का इंतजाम कर लूं? इस तरह मुझे इस गांव में आकर मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बैठे बिठाए मुझे खाना मिलता रहेगा। क्या तुम मेरी हर शर्त मानोगे? हाँ, तुम मेरे गांव वालों को तंग ना करो, इसके लिए मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। पक्का? हाँ पक्का, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। वचन देते हो? मैं वचन देता हूँ, अगर तुम मेरे गांव वालों को तंग नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तुम्हें रोज मेरी गुफा में मेरे लिए भोजन भेजना होगा, और जिस दिन तुमने भोजन नहीं भेजा उस दिन मैं गांव चली आऊंगी और किसी को भी उठा कर ले जाऊंगी। तो तय रहा, रोज शाम को तुम्हारी गुफा में तुम्हारा भोजन पहुंच जाएगा और तुम मेरे गांव वालों को तंग नहीं करोगी। ठीक है, पर याद रहे, रोज मेरी गुफा में मेरा भोजन पहुंचना ही चाहिए। अक्सर चुड़ैल वापस अपनी गुफा में चली जाती है। इधर गाँव वाले बड़े खुश होते हैं। सरपंच जी, हर दिन अलग अलग घर से अक्सा चुड़ैल के लिए भोजन जाएगा। बस सरपंच जी, चुड़ैल का तो भोजन ही ज्यादा होता है। भोला काका, बोल तो आप सही रहे, पर और कोई रास्ता मेरे सामने था नहीं, मुझे आप लोगों को बचाना भी था। अब रोज शाम को गांव वाले मिलकर जंगल की गुफा में अक्सा के लिए भोजन पहुंचा दिया करते थे। अक्सा भोजन करके आलसी और मोटी होती जा रही थी, क्योंकि इसे अब भोजन प्राप्त करने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब तक गांव वालों के मन में अक्सा चुड़ैल का डर है, अक्सा कभी भूखे नहीं मर सकती। इसी को तो कहते हैं, डर के आगे अक्सा खड़ी है।
भोला काका का बेटा मिलिट्री से रिटायर होकर अपने गांव वापस आता है। वो देखता है कि कैसे गांव वाले रोज शाम को जंगल में चुड़ैल के लिए भोजन ले जाते हैं। और एक दिन, अरे भाई मैं रोज देखता हूँ तुम गांव वाले मिलकर ये खाना कहाँ लेकर जाते हो। बेटा ये खाना हम अपनी जान बचाने के लिए ले जाते हैं। खाना और जान बचाने के लिए, मैं समझा नहीं, हमें विस्तार से बताइए। बेटा कुछ दिन पहले इस गांव में एक भयानक चुड़ैल का आतंक मचा हुआ था। सरपंच जी ने उससे बात करके गांव में आने से रोक लिया, पर उसकी एक शर्त थी, रोज शाम को उसके लिए खाना दे दिया जाए, वरना वो गांव में आकर आतंक मचाएगी। ये तो गलत है बाबा, कोई उसे रोकता क्यों नहीं? उसे कौन रोकेगा बेटा? सरपंच जी, आखिर हम सभी ने उन्हें चुना है अपनी रक्षा के लिए ना। बेटा वो चुड़ैल बहुत भयानक है, सरपंच जी क्या उससे कोई नहीं जीत सकता? ऐसा नहीं है बाबा, हम भारत के वीर सैनिक हैं, बॉर्डर पर खड़े रहकर जब पाकिस्तानी दुश्मनों को भगा सकते हैं, तो ये तो चुड़ैल है, इसे भगाने में कितना टाइम लगेगा? बेटा तुम जिद मत करो, बॉर्डर के दुश्मन से लड़ा जा सकता है पर भीतर के दुश्मन से नहीं। बाबा जब मैं घर के अंदर के दुश्मनों को नहीं भगा पाऊंगा तो बॉर्डर के दुश्मनों को क्या खाक भगा पाऊंगा? भोला काका का बेटा सरपंच जी से मिलता है और चुड़ैल को खाना ले जाने की बात करता है। और अगले दिन भोला काका का बेटा चुड़ैल के सामने खाना लेकर पहुंचता है। चुड़ैल जब बर्तन खोलकर देखती है तो अंदर एक मरी सी मुर्गी पड़ी हुई थी। चुड़ैल गुस्से में बोलती है, एक मुर्गी से मेरा क्या होगा, मुझे बहुत सारा खाना चाहिए। देखिए मेरी क्या गलती है, मुझे जो गाँव वालों ने दिया मैं लेकर आ गया। गलती तो गांव वालों ने की है, अब उनको बड़ी सजा मिलेगी। देखिए मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? देखिए मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ जहाँ गांव वालों ने अपने सारे जानवरों को बांध के रखा है। आप वहाँ चलिए और अपना मन पसंद जानवर खा लीजिए। खूब सारे जानवरों की बातें सुनने के बाद अक्सा को लालच आ जाता है, और जहाँ लालच आता है वहाँ बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। अक्सा बिना सोचे समझे भोला काका के बेटे के साथ चल दी, और भोला काका के बेटे ने उसे ले जाकर पागल कुत्ते के कमरे में धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब आएगा मजा। तुमने बाहर से दरवाजा क्यों बंद किया? ताकि तुम आराम से भोजन कर सको। नहीं नहीं, भोजन बन सको। मैं समझी नहीं। अभी समझ में आ जाएगा। कमरे के अंदर बहुत सारे पागल कुत्ते थे। जैसे ही अक्सा अंदर आई, चारों तरफ से कुत्तों ने उसे घेर लिया। अक्सा चिल्लाती रही पर कुत्तों ने उसे नोच नोच कर मार दिया। इस तरह भोला काका के बेटे की समझदारी से, चुड़ैल के आतंक से गांव वालों को मुक्ति मिल गई। अब गांव वाले खुशी खुशी फिर से रहने लगे और गांव का अगला सरपंच भोला काका के बेटे को बनाया गया। इसीलिए तो कहते हैं, जय जवान जय किसान।